सेशन का नाम है हैशटैग आस्क मंदार। इस सेशन में मैं आपकी स्टॉक रिलेटेड क्वेरीज सॉल्व करता हूं। तो आपके भी मन में कुछ सवाल हो तो इस वीडियो के कमेंट्स में पोस्ट कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं वो सारे सवाल पे आपको सलूशन दे पाऊं। मेरा नाम है मंदार जामसांडेकर और आपका स्वागत है इस मेरे YouTube सेशन में। इस सेशन का जो पहला सवाल है वो हमें भेजा है अजय कुमार जी ने, और वो पूछते हैं वीमार्ट और टीमलीज के बारे में, गिरावट कब रुकेगी, ये उनका मेन सवाल है। तो चलते हैं वीमार्ट से स्टार्ट करते हैं। अजय जी, ये वीमार्ट का लॉन्ग टर्म चार्ट है, मंथली चार्ट है। आपको दिखेगा कि 2016 में ये करीबन 400 के लेवल पे ये ट्रेड हो रहा था। वहां से ये स्टॉक में आपको ये अप ट्रेंड दिखेगा, 400 से ये स्टॉक सीधा चल के 3200 तक ये पहुंच चुका अगले 2 से 3 साल में। अब उसके बाद क्या हो रहा है, 400 से 3200, यानी आप सोचिए कितना बढ़िया सा रिटर्न इसने उन 3 सालों में जनरेट किया। अब उसके बाद क्या होता है, तो एक करेक्शन आता है, कंसोलिडेशन आता है, क्योंकि वो जो पेस होता है वो बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर पाता है, और इसलिए एक जो कैचअप होता है फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स के बीच में, उसमें ये करेक्शन हमें ये देखने को मिलता है। अब ये जो लेवल यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन जो मैंने प्लॉट की है, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। ये लेवल है 1585 की। सो 1585 से लेके 1600 की लेवल पे एक सपोर्ट बनता है, और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये जब ऊपर चल रहा था तब यहाँ पे उसने एक रेजिस्टेंस बनाया हुआ था 2017 में, तो वो जो लेवल है वो अब जाके एक सपोर्ट का काम करेगी। सो इन टेक्निकल एनालिसिस, रेजिस्टेंस आफ्टर अ ब्रेकआउट बिकम्स अ सपोर्ट, एंड अ सपोर्ट आफ्टर अ ब्रेकआउट बिकम्स अ रेजिस्टेंस। तो ये लेवल वॉच कीजिए, ये लेवल अगर ब्रेक होती है तो ये स्टॉक खराब होगा, हमने रिव्यू करना चाहिए। जब तक इसके ऊपर बना रहता है तब तक पोजीशन बनाए रख सकते हैं, लेकिन पिछले 1 साल से तो ये स्टॉक में वीकनेस दिख रहा है। आपको भी दिखेगा कि ये सीधा डाउन ट्रेंड में आ चुका है, 3200 से ये अब 1600 आधा हो गया स्टॉक। तो यहां पे देखिए किस तरीके से ये स्टॉक रिएक्ट करता है, क्योंकि स्टॉक को अगर ऊपर जाना हो तो सपोर्ट पे बाइंग आना भी जरूरी है, उधर बाइंग इंटरेस्ट आना जरूरी है। तो ये आता है नहीं आता, ये यहाँ पे हमें देखना जरूरी है। ऐसे इस तरीके की गिरावट जब कब आती है, तब ऐसे होता है कि आफ्टर अ डाउन ट्रेंड वो स्टॉक एक सपोर्ट के लेवल पे एक बेस बनाता है, और उसके बाद में वो ट्रेंड चेंज करता है। तो यहाँ पे किस तरीके से ये स्टॉक रिएक्ट करता है ये देखिए, और फिर बाद में इसका ट्रेंड भी हमें डिसाइड करने में आसानी सी होगी। अब आपका जो दूसरा स्टॉक है वो है टीमलीज। अब टीमलीज का भी ये लॉन्ग टर्म चार्ट है, आप देखो तो यहाँ पे आपको अच्छी खासी अप ट्रेंड देखने को मिलेगी बिटवीन 2017 से लेके 2018, और उसके बाद में 2 साल से ये स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेट करते हुए दिखेगा। तो ये सपोर्ट बना हुआ है 2280 से लेके 1970 तक, या आपको ये जो दो हॉरिजॉन्टल लेवल्स है ये सपोर्ट है 2280 से 1970, और यहाँ पे रेजिस्टेंस भी दिखेगा आपको। देखो मल्टीपल टाइम्स ये स्टॉक ये लेवल्स तक पहुंचता है और लेकिन नीचे आ जाता है, यहाँ पे जाता है नीचे आ जाता है। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ है 3170 से लेके 3310 के बीच में। तो ये इसमें ये स्टॉक फिलहाल कंसोलिडेट हो रहा है, एक ब्रेकआउट की राह देखनी चाहिए। इसमें अगर आपको एक स्विंग ट्रेड बनाना हो तो आपने मेरा स्विंग ट्रेडिंग का वीडियो देखना जरूरी है, अगर आपने मिस किया हो तो उसका लिंक अब यहां पे आ जाएगा। तो ये वीडियो देखिए, इससे आपको एक स्विंग ट्रेड का एक आइडिया मिल जाएगा किस तरीके से आप कर सकते हो, सपोर्ट पे बाय करना है, रेजिस्टेंस पे एग्जिट हो जाना है, इस तरीके का वो एक स्ट्रेटेजी है। वो वीडियो देखने से आपको वो पूरा समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल तो ये रेंज बाउंड है, ये लेवल्स ट्रैक कीजिए, जब कब ये ब्रेक होंगी तब इस पे हमने रिव्यू जरूर करना चाहिए। अब अगली जो क्वेरी है वो हमें भेजी है समीर जोशी जी ने, और वो पूछते हैं कोल इंडिया और एनएमडीसी के बारे में। तो समीर जी, ये कोल इंडिया का चार्ट है, ये मंथली चार्ट है, ऑल टाइम चार्ट यहाँ पे मैंने खोला हुआ है, आपको यहाँ पे दिखेगा 2000
11 से लेके अब तक का ये चार्ट, यानी 10 साल से 9-10 साल का ये पूरा चार्ट है, आपको दिखेगा कि यहाँ पे ये स्टॉक इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा था, तो ये लेवल बनती है 238-240 के करीब, तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल थी स्टॉक के लिए, ये सपोर्ट बना हुआ था। देखो यहाँ पे भी बाउंस बैक कर लिया दो बार, फिर से एक बार यहाँ पे बाउंस बैक कर लिया 2017 में, फिर इसके नीचे गया, ऊपर गया और फिर बाद में इसे ब्रेक कर दिया। अब जब तक ये 240 के नीचे रहता है तब तक इसमें वीकनेस बना रहेगा। अगर पिछले चार पांच महीनों का अगर चार्ट देखते हैं तो ये आपको दो लेवल्स यहाँ पे दिखेंगी, तो ये रेजिस्टेंस बनता है 215 के लेवल पे, 215 ये लेवल है, और ये सपोर्ट बनता है 180 के करीब। अगर इसमें एक अप ट्रेंड आना हो तो पहले तो इसने 215 का रेजिस्टेंस ब्रेक करना जरूरी है, और सबसे इंपॉर्टेंट उसने 240 के ऊपर ट्रेड होना जरूरी है। अगर आप ये चार्ट देखो तो आपको दिखेगा क्लियरली कि ये स्टॉक लोअर टॉप लोअर बॉटम करते हुए ये स्टॉक नीचे जा रहा है। तो अगर ये 240 ब्रेक करके इसके ऊपर चलता है तो एक पहला इंडिकेशन होगा कि शायद आगे जाके ट्रेंड चेंज होगा। इंपॉर्टेंट तो ये लेवल है जो बनती है करीबन 270 के करीब, तो वो ब्रेक होने के बाद स्टॉक एक हायर टॉप भी बनाएगा तो एक फर्दर कंफर्मेशन मिलेगा। लेकिन पहला तो है ये 215 का रेजिस्टेंस, और दूसरा है ये 238 का, 238 से लेके 240 का ये रेजिस्टेंस, उसके ऊपर चलना इसने जरूरी है। ये लेवल ट्रैक कीजिए। अगली जो आपकी क्वेरी है वो है एनएमडीसी। एनएमडीसी का भी ये लॉन्ग टर्म चार्ट है, आपको दिखेगा राइट फ्रॉम 2008 ये चार्ट यहाँ पे खुला हुआ है। अब ये पूरा डाउन ट्रेंड में आपको दिखेगा एक पॉजिटिव जो देखने को मिलता है वो है ये लेवल। ये लेवल है 76। सो 2016 में यहाँ से बाउंस बैक किया है स्टॉक ने, फिर से एक बार 2019 में यहीं पे सपोर्ट लेके यहाँ से बाउंस बैक किया, तो ये 76 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। लेकिन अब ऊपर जाना हो तो ऊपर में स्ट्रेंथ भी आना जरूरी है, तो ये जो रेजिस्टेंस है 150 से लेके 163 का, ये ब्रेक होना इंपॉर्टेंट है। ये अगर ब्रेक होता है तो हम वो पहला इंडिकेशन होगा कि अब ये शायद इसमें स्ट्रेंथ आ रहा है और शायद अब ये अप ट्रेंड में जाने की तैयारी कर रहा है। तो ये 150-163 का ऊपर में रेजिस्टेंस है, ये वॉच करना चाहिए। ये जब कब ब्रेक होगा तब एक फ्रेश इन्विटेशन बनेगा, हमने रिव्यू तो करना ही करना है उस समय। और ये सपोर्ट भी ट्रैक कीजिए जो बनता है 76 के लेवल पे। अब अगली जो क्वेरी है वो हमें भेजी है अभिषेक कुमार जी ने, और अभिषेक जी पूछते हैं HDFC AMC के बारे में। अभिषेक जी, अब ये HDFC AMC का चार्ट है, पूरा लाइफ टाइम का चार्ट है, जब लिस्ट हुआ तब से ये चार्ट है। आपको दिखेगा ये स्टॉक 1400 से सीधा 3800 तक चल चुका है, यानी ये स्टॉक डबल हो चुका है पिछले एक साल में। अब नॉर्मली इस तरीके का रिटर्न जब कोई एक स्टॉक जनरेट करता है तो उसके बाद वो एक कंसोलिडेशन में चले जाता है, थक जाता है, क्योंकि अगर नीचे में किसी ने बाय किया हो और एक साल में अगर पैसा आपको डबल होता है तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आना बट नेचुरल है। और वो आपको पिछले 3 महीनों में दिखेगा कि ऊपर में जैसे गया तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग होते हुए ये स्टॉक नीचे आया, यहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग है, यहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग है। तो ये शायद अगले कुछ महीनों के लिए ये स्टॉक इस कंसोलिडेशन में से गुजरेगा और उसके बाद में आगे का ट्रेंड डिसाइड होगा। 2834-2800 का सपोर्ट ट्रैक कीजिए, ऊपर में 3550 से लेके 3850 का रेजिस्टेंस है इसमें, तो ये लेवल्स के बीच में ये स्टॉक ट्रेड होगा। जब कब ये ब्रेक होंगी रिव्यू करना मत भूलिए। अगली जो क्वेरी है वो हमें भेजी है नरेश अग्रवाल जी ने, और वो पूछते हैं हिंडाल्को और रिको ऑटो के बारे में। नरेश जी, अब ये हिंडाल्को लाइफ टाइम चार्ट है, अब देखो मल्टीपल टाइम्स 2006 से ये जो लेवल है यहाँ पे, ये लेवल बनती है 250 पे, तो 250 से लेके 280 तक ये एक बड़ा सा रेजिस्टेंस जोन है। यहां से नीचे आ गया, यहां से नीचे आ गया और यहां पे उसने ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन फिर से एक बार नीचे आ गया, तो ये 250 और 280 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बैंड है इस स्टॉक में। ये इतना और ये लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस है, तो ये जब कब ब्रेक होगा तब उसके बाद इसमें जो मूव आएगी वो बढ़िया सी होगी, लेकिन उसके लिए आपने राह देखनी जरूरी है।
इमीडिएट अगर शॉर्ट टर्म चार्ट देखते हैं तो ये 220 का यहाँ पे रेजिस्टेंस बनता है, ये जो छोटी हॉरिजॉन्टल लाइन रेड कलर की मैंने प्लॉट की है ये 220 के लेवल पे है, तो ये एक रेजिस्टेंस है इमीडिएट और 180 का इसमें इमीडिएट सपोर्ट भी है। सो 180-220 का शॉर्ट टर्म में इसमें एक रेंज बनता है, जब कब ये लेवल्स ब्रेक होंगे आगे की लेवल्स टारगेट्स भी हम डिसाइड कर पाएंगे, लेकिन फिलहाल तो ये लेवल्स ट्रैक कीजिए। अगली आपकी क्वेरी है रिको ऑटो, रिको ऑटो भी देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा 2013 से ये अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ, यानी 10 के भी नीचे ये ट्रेड हो रहा था और वहां से ये स्टॉक सीधा अगले 4 सालों में ये स्टॉक 110 तक पहुंच गया। अभी तो इसमें करेक्शन चालू है पिछले 3 साल से, पॉजिटिव कि ये यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, तो ये जो लेवल है 28 और 35 का इसे रिस्पेक्ट किया है स्टॉक ने, यहां से आपको दिखेगा बाउंस बैक कर दिया, सो ये पॉजिटिव है, लेकिन यहां पे रेजिस्टेंस भी बनता है 54 की लेवल पे, तो अगर इसमें अप ट्रेंड आना हो तो इसे 54 का लेवल ब्रेक करना जरूरी है, ये ब्रेक करके इसके ऊपर चलेगा तो हम ये पहला इंडिकेशन होगा कि ये एक फ्रेश अप ट्रेंड में चलने के लिए तैयार है, फिलहाल ये लेवल्स आप ट्रैक कीजिए। अगली जो क्वेरी है वो हमें भेजी है रवि बाबर जी ने और वो पूछते हैं IRCTC के बारे में। अब रवि जी ये IRCTC का चार्ट है और ये डेली चार्ट है, लाइफ टाइम चार्ट है, लिस्टिंग से लेके अब तक का चार्ट है, ये आपको क्लियर दिखेगा, मैंने बताने की जरूरत नहीं, अगर आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे तो उसमें बहुत बार ये डिस्कस किया हुआ है। ये स्टॉक देखिए ये पिछले 2-2.5 महीनों से ये एक साइडवेज ट्रेंड में चल रहा है, ब्लू कलर की जो हॉरिजॉन्टल लाइन है 850 की वो सपोर्ट बनी हुई है और ये जो लेवल्स है 950 से लेके 980 तक ये एक रेजिस्टेंस बैंड बना हुआ है। सो 850 और 950 980 इस रेंज में ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है, तो ये लेवल स्ट्राइक कीजिए। जैसे मैंने पहले भी बताया स्विंग ट्रेडिंग का मेरा वीडियो देखिए, शॉर्ट टर्म में इंटरेस्ट हो तो इसमें आप स्विंग ट्रेड भी बना सकते हो, ध्यान में रखना है हर एक ट्रेड स्टॉप लॉस लगा के आपने काम करना है, तो वो वीडियो देखिए उसमें से आपको आइडिया सही तरीके से मिल जाएगी। जब कब ये लेवल्स ब्रेक होंगे हम आगे का टारगेट भी डिसाइड कर पाएंगे, ये लेवल्स ध्यान में रखिए। तो ये थी आपकी क्वेरी रवि जी, इसी तरह आपके मन में भी कुछ भी क्वेरी हो तो वो मन में मत रखिए, इस वीडियो के कमेंट्स में पोस्ट कर दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में वो क्वेरी मैं सॉल्व कर दूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज नॉलेज इंक्रीजेस बाय शेयरिंग। और जब आप चार्ट पे काम करते हो, जब आपको लेवल्स मालूम होती है तो आप एक अच्छा, एक इन्फॉर्म्ड और एक वाइज डिसीजन ले सकते हो। आपने मुझे इस वीडियो में ज्वाइन किया इसलिए आपका धन्यवाद, आपका मंदार जाम सांडेकर।